नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुभाष परियार और आप सभी का स्वागत करता हूं अपने चैनल सुभाष साइंस गाइड में, जहां पर आपको मिलते हैं साइंस से रिलेटेड वीडियो। आज की वीडियो में आप सभी को मैं अंतरिक्ष विज्ञान से जुड़ी हुई कुछ दो घटनाओं के बारे में बताने वाला हूं, जो घटनाएं मई माह के अंदर घटित होने वाली हैं। पहली घटना तो आप सभी लोग जानते हो और उससे आप सभी लोग परिचित हो, जिसे हम लोग टूटता तारा भी बोलते हैं, जबकि वो असल में टूटता तारा नहीं होता है, वह होता है एक उल्कापिंड। उल्कापिंड जब पृथ्वी के वायुमंडल या वातावरण में प्रवेश करता है, तब उससे पृथ्वी के वातावरण से घर्षण के कारण उसमें से चमक उत्पन्न होती है और धीरे धीरे उल्कापिंड नष्ट हो जाता है। ये अधिकांश छोटे छोटे रूपों में होते हैं, इसी ही हम लोग टूटता हुआ तारा बोलते हैं। ये घटनाएं अब मई के महीने में हो ना आप सभी को नजर आने वाली है, मई के महीने में अधिकांश रूप से होती है और अगस्त के महीने में सर्वाधिक रूप से ये उल्काओं की बौछार होती रहती है। ये तो थी पहली घटना के बारे में, तथा अब हम बात कर लेते हैं दूसरी घटना के बारे में। दूसरी घटना है हमारे सौर परिवार के तीन ग्रह शुक्र, शनि और बृहस्पति। ये तीनों ग्रह एक एक दिन की अंतराल से चंद्रमा के बिल्कुल सीध में होंगे, जिसमें सबसे पहले आएगा जुपिटर बृहस्पति, दूसरे नंबर आएगा शनि और तीसरे नंबर पर आएगा शुक्र ग्रह। वैसे तो सभी को पता है कि शुक्र ग्रह सर्वाधिक चमकीला होता है, अभी पिछले कुछ दिनों अप्रैल के महीने में राजस्थान के नागौर जिले से एक घटना देखी गई थी, जिसमें चंद्रमा के जस्ट बिल्कुल पास के अंदर एक बहुत ही चमकदार चीज नजर आई थी, जिसे आग का गोला भी कहा गया था, जबकि वह आग का गोला नहीं था, वह था शुक्र ग्रह, जिसे हम लोग सूर्यास्त के 1 से 1.5 घंटे के पश्चात हम लोग इसे देख सकते हैं। यह फिर से हमें हर बार यह नजर आता है चंद्रमा के पास में। अगर अभी वैसे सभी को पता है कि लॉकडाउन है, जिसकी वजह से प्रदूषण की मात्रा में बहुत ज़्यादा मात्रा में कमी आई है, और जब जैसे जैसे प्रदूषण की मात्रा में कमी आई है, उसी प्रकार से यह जो घटना है खगोलीय घटना, यह हमें नज़र आती है। शुक्र ग्रह सभी को पता है सर्वाधिक चमकीला है, और यही चमकीला ग्रह बिल्कुल चंद्रमा के पास में है, जिसे हम लोग देख सकते हैं। अभी भी जब सूर्यास्त हो उसके बाद हम लोग 1.5 घंटे के बाद अगर आकाश के अंदर देखेंगे, तो चंद्रमा के पास वाले इलाके में एक पश्चिम दिशा की तरफ एक चमकीला तारा नजर आता है। वो तारा नहीं है, वह शुक्र ग्रह है, जो कि हमें सर्वाधिक रूप से चमकता हुआ नजर आता है। इसको हमने 16 अप्रैल 2020 को पीछे अप्रैल का महीने में ही इसको अधिक चमकदार तारे के रूप में देखा था, जिसे हम लोगों ने अनेक तरीके के कयास लगाए थे, वह शुक्र ग्रह ही था। ठीक है,